हम लोग तो हर रोज अमिताभ बच्चन की कोई न कोई खबर दिखाकर उनकी किरकिरी करते ही हैं। खुद ही बुढ़ापे में अपनी किरकिरी करवा रहे हैं, कभी उनकी बीवी कर देती है, कभी वो खुद ही किरकिरी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हो रही है, गजब की बेइज्जती हो रही है, हर रोज हो रही है, थोक के भाव में हो रही है। अब देखिए, लेजेंड्स क्रिकेट आने वाला है, यानी जो क्रिकेटर रिटायर हो चुके हैं, इन्हें लेकर 20 जनवरी से एक क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है। अब अमिताभ बच्चन को इसमें भाई एक विज्ञापन में लिया गया था, विज्ञापन वगैरह इन्होंने बनाया और इसके बारे में जानकारी वगैरह दी। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक सोशल मीडिया पर मैसेज दिया, मैसेज ये दिया कि सचिन तेंदुलकर भी खेलने वाले हैं, क्या आप सचिन तेंदुलकर को देखने के लिए स्टेडियम में नहीं आएंगे? अब ये देखिए, एक मिसलीडिंग कोट था, मिसलीडिंग विज्ञापन था। अब सचिन के दीवाने बहुत हैं, करोड़ों में हैं। अब सचिन का नाम सुनकर ही लोग स्टेडियम में क्रिकेट देखने चले जाएंगे, और जहां वो गए और उन्हें पता चला कि सचिन तो इसमें खेलने ही वाले नहीं है, सचिन तो भाई ड्रेसिंग रूम में बैठे रहेंगे, मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, तो ये बात जब सचिन तक पता चली तो सचिन को बहुत बुरा लगा, सचिन को थोड़ा गुस्सा आया। सचिन ने ये कहा कि अमिताभ बच्चन जैसे भाई जो कलाकार हैं, इन्हें बड़ी सावधानी से इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह की भ्रामक चीजें बढ़ाकर गलत मैसेज जाएगा, लोग मुझे देखने के लिए वहां पर पहुंच जाएं और मैं वहां पर ना दिखूं तो फैंस मुझे भी कोसेंगे, आपको तो कोसेंगे ही, मुझे भी कोसेंगे कि देखो भाई सचिन तेंदुलकर के नाम पर हम आए और सचिन तेंदुलकर तो यहाँ बैठ के स्टेडियम के भीतर आइसक्रीम खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं। तो ये गुमराह करने वाला जो मैसेज अमिताभ बच्चन की तरफ से भेजा गया था, सचिन चिढ़ गए, नाराज हो गए, बाद में अमिताभ बच्चन को इसके लिए माफी तक मांगनी पड़ी। अच्छा है अमिताभ बच्चन अंपायर नहीं है, वरना सभी टीम वालों को आउट ही दे देते।